नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, तो थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। और आज तो मतलब स्कूल तो नहीं जा रही थी बुलबुल मेरी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मतलब चाय बनाया था। और थोड़ा सा मैं अभी चने दाल की पराठा बनाने जा रही हूँ। और अभी मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, और मैं अब ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वीडियो बना बना के थक चुकी हूँ मैं। और क्योंकि तबीयत भी इतनी ज़्यादा मेरी ख़राब रहती है, और फिर भी मैं अपना मतलब उसमें टाइम निकाल के अपना काम करती रहती हूँ। पूरा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो है वीडियो मैं अपने आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बनाऊँ और अच्छे से अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आए। लेकिन मैं थक चुकी हूँ एकदम से, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता अब वीडियो बनाने का। क्योंकि देखो, जब कोई किसी भी चीज़ के लिए जब अच्छी अच्छी जो है रिस्पांस किसी भी चीज़ में मिलता है ना, तो मन भी करता है। लेकिन जब नहीं मन कर, जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो फिर मन नहीं करता। और ऊपर से लोग जो है ना, जो लोग भी देखते हैं वीडियो को, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको ना मतलब मोटिवेट करने से मतलब डीमोटिवेट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को अजीब सा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मतलब ये सारे काम जो है ना, उन लोगों को लगता है ये फजूर का काम है, ये फालतू का काम है, फालतू में वीडियो बनता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, कुछ भी नहीं फ़ायदा। और जाहिर सी बात है, बोलेंगे ही, जब कोई सपोर्ट नहीं करता है, जब कोई ढंग से वीडियो को वॉच नहीं करता है, तो कोई भी बोल सकता है ना। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों, मुझे आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। और ये लोगों की बातें और सबकी जो लोग कुछ भी बोल के चल जाते हैं, जो कुछ भी मतलब अपने मन में सोचते हैं, कि मैंने सुना है कई लोगों से, कई लोग बोलते भी हैं कि ये सब फालतू का काम है। अरे लोग तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंचना चाहते हैं, जितना सपना नहीं उससे ज़्यादा सपना देखते हैं। लेकिन देखिए, इंसान छोटे से ही बड़ा होता है। इंसान अगर कुछ करना चाहता है, कोई कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है बताइए, आप ही लोग बता दीजिए इसमें क्या बुराई है। इसमें मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मतलब अपना जो रियल लाइफ स्टाइल है वही तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, मैंने बीच में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मुझे लगा कि थोड़ा सा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मुझे ऐसे ही ब्लॉगिंग में ही पसंद करते हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में डाली भी थी वीडियो, लेकिन नहीं, मेरे को पता नहीं मतलब जो भी है मुझसे गलती हुई है। बहुत सारी गलतियाँ मैंने की है, जो कि गलती को भी अभी मैं सुधारने की पूरी जो है कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरा जो है सपोर्ट करना। और यहाँ पे देखिए, दाल की जो पूड़ी है ना, बहुत अच्छी से बन जाती है, पूड़ी एंड पराठा तो बहुत अच्छी बनती है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी बना के ट्राई कीजिएगा। गांव में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मेरे पापा को बहुत पसंद था ये जो पराठा है। मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी उनके लिए। अभी तो इस भगवान के पता नहीं क्या हो गया था, कि मतलब अभी वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी यादें तो है। तो कभी भी मैं बनाती हूँ तो मुझे अपने पापा की याद आती है, कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद था ये चने दाल का पराठा, बहुत पसंद था उनको। लेकिन उनके साथ इस पराठे के साथ उनको सब्ज़ी चाहिए होता था, और उन्हीं की आदत मुझे भी लगी है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये पराठा, और इसके साथ मुझे भी सब्ज़ी पसंद है। लेकिन मैं सब्ज़ी अभी बना ही नहीं हूँ, बाद में बनाऊँगी। अभी बस गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बस फटाफट से पराठे बना रही हूँ। और वो मैंने थोड़ा सा सादा निकाला था बच्चों के लिए, उसमें थोड़ा सा खाली नमक डाल के इन दोनों के लिए बनाऊँगी, आदर्श और बुलबुल के लिए, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा जो तीखा रहता है ना, तो वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए। और बस अभी मैंने बना दिया था। और यहाँ पे ये देखिए, अभी सोए हैं, इनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से अभी ये सो रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा अभी ये सो रहे हैं, ये बिस्तर इधर फैला हुआ था, जो उधर ये सारा बिस्तर मैं समेट कर रख दूँगी। और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 9:30 बज गया था, और मुझे काम भी करना है घर का, और बच्चों को नहलाना धुलाना है, और मुझे अभी फ़ोन में भी काम रहता है, एडिटिंग करना और सारी चीज़ें करना, इन सब में भी टाइम लगता है। और इसलिए तो अभी मैं ये सारे बिस्तर उस्तर जो है मोड़ के रख दूंगी। और आप लोगों को तो पता है ये जगह थोड़ा कम है, तो इसी में मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो जो भी है आप लोगों के सामने ही है,
तो बस कुछ लोग ना इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, तो प्लीज़ मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग समझते नहीं हैं तो वो लोग प्लीज़ किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं चाहिए, और किसी का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है, अगर आपको नहीं आती है तो आप प्लीज़ मत देखिएगा मुझे, और स्किप कर दीजिएगा। और हाँ, जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आती है, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, कुछ दोस्त मेरे ऐसे अच्छे हैं जो कि मेरी फ्रेंड हैं, जो लोग भी मतलब मेरी वीडियो को देखती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझे मतलब पूरा पूरा सा ऐसा नहीं है कि एक लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते तो कोई भी नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैंने बिस्तर सही कर दिया था, यहाँ पे नीचे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सुबह भिंडी लेके आई थी तो अभी बनाई नहीं थी, अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्योंकि बस वही पराठे बनाई थी, थोड़ी सी मैंने दाल बनाया था क्योंकि बच्चों के लिए, तो अभी इतनी गर्मी लग रही थी कि मन नहीं कर रहा था कि अभी भिंडी भी बनाऊँ, तो फिर इसलिए अभी मैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि सोए भी थे ये, ऊपर से फिर पंखा भी बंद कर रखी थी, तो इसलिए। और अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं बर्तन वर्तन जो भी है बाहर निकाल के रखी हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धो लूँगी, क्योंकि बाहर रखना अभी अच्छा नहीं है, तो इसलिए अभी फटाफट से पहले झाड़ू लगा के यहाँ पे सफाई कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल को पीसा था तो सील जो है अंदर ही रखा था, यहाँ पे अंदर ही पीस लेती हूँ क्योंकि बाहर जगह नहीं है, जगह है मगर मतलब आते जाते हैं लोग ना, तो फिर मन नहीं करता बाहर पीसने का, छींटे उटे आने का डर रहता है, इसलिए तो मैं अंदर ही रख के पीस लेती हूँ। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ली हूँ, और बुलबुल मेरा थोड़ा सा काम था ट्यूशन का, ऊपर बैठ के कर रही थी, तो बस यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ ये सारा काम। और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, और बस कुछ लोग मुझे तसल्ली भी देते हैं, आप लोगों को के बातों पे ध्यान मत दिया करो, अपना काम कीजिए, अपना जो है कि जो भी आपका काम है आप कीजिए, आप किसी के बातों पे ध्यान देंगी ना तो फिर ये तो बात सही है, अगर किसी के बातों पे ध्यान दो ना तो इंसान अपना कुछ नहीं कर पाएगा, तो बस इसीलिए मेरा लेकिन सोचती तो यही हूँ, लेकिन बहुत ही अजीब सा लगता है कोई अगर कुछ बोल देता है तो। बस यहाँ पे मैंने रख दिया है सील बट्टे को, मैंने बाहर रख दिया, कुछ कपड़े थे जो कि मैं बाहर लेके जा रही हूँ, तो चलिए अभी मैं बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से, तो यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ फिर मिलती हूँ।